कक्षा 10 काव्य पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के यह खंड बालकांड से लिया गया है, जिसमें धनुष भंग के बाद परशुराम जी की नाराजगी की प्रतिक्रिया जताई गई है। ये जो प्रक्रिया है, ये आगे चल के भविष्य में जो शुभ मुहूर्त का समय था शादी का, इसे परशुराम जी ने अपने शब्दों के अनुसार रोकने का प्रयास किया और यही जीवन में राम लक्ष्मण का वियोग प्रदर्शित होता है। पहला दोहा इस प्रकार है, नाथ संबोधन बंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने पूछा ये धनुष किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जी ने बताया साहब आपका कोई एक सेवक होगा जिसने यह कार्य किया है। आयस काह कही किन मोही सुन रिसाय बोले मुनि कोही। परशुराम जी नाराज होकर बोले उसने तो शत्रुता का काम किया है, वो मेरा दास कैसे हो सकता है। सेवक जो करे सेवकाई अरिकन करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो मालिक की सेवा करता है, और अरि जो शत्रु होता है ये लड़ाई का काम करता है। सुनो राम जेहि सिउ धनु तोरा, उन्होंने राम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिसने भी ये शंकर जी का धनुष तोड़ा है, सहज बाउ समसो रिप मोरा, वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, इसलिए उसे अलग कर दीजिए, न तो मारे जई हैं सब राजा, अन्यथा जितने भी ये राजा छत्री कुल के बैठे हुए हैं सभी का समापन होने वाला है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तपस्वी परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे, बोले परशु धरहि अवमाने, उन्होंने परशुराम जी के अवमानना की, शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया और बोले यह धनु तोरी लड़काई। बोले साहब क्या बताएं, बचपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़े, कबहू न आसी ऋषिकीन गोसाई, लेकिन हमसे अभी तक कोई नाराज नहीं हुआ। तो ऋषि जी हे तपस्वी आप नाराज ना हो, यही धनु पर ममता क्यों है थी, ये जो धनुष है इस पर आपका किस प्रकार मोह है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अतः तपस्वी परशुराम जी नाराज होकर उनसे बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। बोले बालक तेरी मृत्यु नजदीक है, इसलिए संभल कर बात कर, धनो ही सम ते पुरारी धन विदित सकल संसार। ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध ये शंकर जी का धनुष है। इस प्रकार पहला दोहा खत्म होता है। दोहा नंबर 2, लखन कहां हंस अमरे जाना। लखन जी ने मुस्कुराकर कहा ये तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। बोले ऋषि धनुष तो धनुष होता है, सब एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बोले क्या बताएं, ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपत न दोषु, रघुकुल के मर्यादित व्यक्ति ने इसको छुआ, छूते ही उनका कोई दोष नहीं रहा। मुन बिनु काज करई कत रोसु, इसलिए आप नाराज ना हो। बोले चितई परशु की ओरा, उन्होंने परशुराम जी की ओर ध्यान से देखा, रे सट सुनय स्वभाव न मोरा। परशुराम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोले अरे मूर्ख क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, तू बालक है इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, मुझे केवल बड़े से बड़े तपस्वी और सब लोग जानते हैं, तुम नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ, इसलिए विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही संसार में प्रसिद्ध है कि क्षत्रियों के कुल का मैंने द्रोह किया है, विद्रोह कर दिया। भुजबल भूम भूप बिन किन्हीं, अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को बड़े से बड़े राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीन्हीं, क्या बताएं, एक बार नहीं कई बार मैंने क्षत्रिय कुलों का
विध्वंस किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी बोले, कोई बात नहीं, हुआ होगा, लेकिन अब ये संभव नहीं है। मात पितहु जन सोच बस करश महीज किशोर। बोले क्या बताएं, हमें बड़ा सोच हो रहा है कि माता पिता ने किस प्रकार से आपको जन्म दिया होगा। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोरा। तो परशुराम जी बोले, बड़ी से बड़ी महिलाओं के भी गर्भ मेरे गर्जना के कारण गिर पड़े, अतः तुम ध्यान न देने योग्य हो। अतः पाठ दो, पाठ का दूसरा दोहा खत्म होता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं जो छात्र देखेंगे। भंजनिहारा भंग करने वाला, रिसाई क्रोध करने वाला, रिपु शत्रु, बिलगाई अलग होना, अवमान्य अपमान करना, लड़काई बचपन में, परशु फरसा को ही क्रोधी, महिदेव ब्राह्मण, बिलोक देखकर अर्भक बच्चा। बाकी छात्र पाठ एक के प्रश्न उत्तर याद करेंगे तथा पाठ दो के पहले दोहे का अर्थ कॉपी में लिखेंगे।